एक माँ के लिए उसके बच्चे उसका सब कुछ होते हैं। जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, वह खुश थी और परेशान भी, क्योंकि बच्चों के हिसाब से माँ को अपनी दिनचर्या को सेट करना पड़ा। सुबह 9 बजे पहले नंबर के बच्चे को दूध पिलाने का सही समय था, उसके बाद दूसरे नंबर के बच्चे को। इसी प्रकार 1 बजे पहले नंबर के बच्चे को दूध पिलाने का समय था और उसके बाद दूसरे नंबर के बच्चे का। उसके मदद के लिए सास थी, जिसको अपनी नींद पूरी करने के लिए 10 घंटे की जरूरत होती थी, इसलिए वह बरामदे में सोती थी। हाँ, जब बच्चे सो रहे होते तो वे कम परेशान करते थे, बीच बीच में दूध पिलाने के लिए उन्हें तकलीफ देकर जगाना पड़ता था। कुदरत के इन तोहफों को पाकर वह वाकई बहुत खुश थी, पर गरीबी और अनपढ़ की मार कहें या समुचित पोषण आहार की कमी, जिससे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा था, वह हैरान और परेशान थी। यह बात सोनायपति सनुराम की है, जिसने माह फरवरी के बीच में घर पर जुड़वा बच्चों ओराही और आदित्य को जन्म दिया। माँ बाप ने यही मोडन नाम दिया। यह हकीकत भरी कहानी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर के ओरछा ब्लॉक के धुर नक्सल हिंसाग्रस्त गांव के मसूर की है, जहां जाने के लिए बड़ा हौसला और जिगर चाहिए होता है। मुसेर गांव की आबादी बमुश्किल 70 के करीब होगी। यहां सबसे नजदीक पंचायत कचपाल है, जहां तक बारिश से पहले तक अनुभवी वाहन चालक के जरिए जैसे तैसे छोटी गाड़ी से पहुंचा जा सकता है। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कच्चापाल से मुसेर लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ग्राम कच्चापाल के स्वास्थ्य साथी कमलेश नाग और सुखदेव को खबर लगी कि मसूर के जुड़वा अति कुपोषित बच्चे हैं। माँ परेशान है और बच्चों को लेकर व्याकुल भी। पोषण पुनर्वास केंद्र का सहारा नहीं मिला तो जीवित नहीं रहेंगे। दोनों स्वास्थ्य साथी ने बच्चों की जान बचाने की चिंता सताने लगी, मगर मुसेर जाना जोखिम दर्द भरा और डरावना था। सूरज की तेज तपन का एहसास और परिवार को काउंसलिंग करना जैसे टेढ़ी खीर समान नजर आने रहा था। आना जाना लगभग 70 किलोमीटर, वह भी जंगल पहाड़ी रास्ता, पर बच्चों की जान बचाना उनके निष्ठा और कर्तव्य में शामिल था। उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र की महिला स्वास्थ्यकर्ता श्रीमती निर्मणि ठाकुर को राजी किया। 3 दिन सफर पूरा कर बच्चों और माँ को कुंदला पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती करवाया, जहां अभी बच्ची की हालत स्थिर है। नारायणपुर जिले खासकर ओरछा ब्लॉक का स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला कोरोना के अलावा कुपोषण और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से लोगों को बचाने का काम कर रहा है। जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी, चारों ओर से घने जंगल, पहाड़ों से घिरे गांव मसूर में 70 दिन के गंभीर कुपोषित जुड़वा बच्चों को 3 दिन 70 घंटे पैदल चलकर माँ बच्चों को कुंदला लाई, जहां बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में रखा गया। बच्चों की बेहतर देखभाल हो रही है। जुड़वा बच्चों में एक लड़का और एक लड़की है। बता दें कि राज्य सरकार बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए पोषण आहार से लेकर उपचार तक की सेवाएं मुहैया करा रही है। जिले में संचालित NRC कुपोषित बच्चों के चिकित्सीय देखभाल के साथ समुचित पोषण आहार प्रदान कर सुपोषित कर तंदुरुस्त कर रहा है। पिछले एक वर्ष में जिले के 400 कुपोषित बच्चे पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती के बाद सुपोषित हुए हैं। नारायणपुर से संवाददाता गेंदलाल मरकाम की रिपोर्ट। मुसेर पेशेंट लेने और अभी आ रहे हैं कड़ी धूप में बड़ी जंगल से, और ये हमारे निर्मणि ठाकुर जी हैं NRC से, और ये हमारे सुखदेव यादव जी हैं, और मैं कमलेश कुमार नाग स्वास्थ्य साथी से, वो NRC से हैं निर्मल दीदी, जो NRC कुंदला से आए हैं। जो अभी जो ये पेशेंट हैं जो पुनर्वास केंद्र लेके जाने वाले हैं हम, जो कड़क मेहनत करने के बाद इन लोग जो हमारे बातों को माने हैं, जो इनको कुंदला लेके जाएंगे अभी, क्योंकि इन लोग बात मान ही नहीं रहे थे कि पुनर्वास केंद्र में क्या होता है। इनके बारे में हमारे नीलम दीदी ने अच्छे से समझाए हैं पुनर्वास केंद्र के बारे में, तो इसको हम लोग रिफ़र कर रहे हैं सुखदेव यादव और कमलेश और नीलम निर्मला दीदी। मैं हूँ नीलमणि ठाकुर, एक कच्चापाल सेक्शन है हमारी NRC से
दूरी है यहाँ लगभग 36 किलोमीटर की, और कच्चापाल से हम मुसेर के लिए पैदल रास्ता तय करके आए हैं। यहाँ मुसेर में दो जुड़वे बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। माँ और पिता को बहुत ही ज़्यादा काउंसलिंग करना पड़ा। हमारे साथ में मेरे दो स्वास्थ्य साथी भाई भी हैं, कमलेश नाग और सुखदेव नाग। इन दोनों के सहयोग से हम मुसेर तक पहुँच पाए और हम इन दोनों बच्चों को अभी हम पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी तुमला ले जा रहे हैं। अभी हम लोग वहाँ पे इनका देखभाल करेंगे और बच्चों की स्थिति आगे की क्या रहेगी उसको फिर से हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.